नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं हुंडई क्रेटा 2020 और किया सेल्टोस के बीच में। तो अगर आप भी इन दोनों ही गाड़ी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के एंड तक आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको बताएंगे कि किन लोगों को क्रेटा 2020 की वेट करनी चाहिए और किन लोगों को किया सेल्टोस खरीद लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, कि कौन सी गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ अगर हम बात करें किया सेल्टोस की, तो शायद इंडिया में किया पहली ऐसी कंपनी होगी जिसने लॉन्च होते ही अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करती इतनी ज़्यादा फेम कमा ली, लोगों के दिलों में इस लेवल तक छा गई कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम लेते ही सबसे पहले नाम जो आता है वो सेल्टोस का आता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है इस गाड़ी का डिज़ाइन। सो सेल्टोस का डिज़ाइन जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका इनलाइन LED DRL कम्बिनेशन विद टाइगर नोज ग्रिल और हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया लोगों को, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव लुक देती है ये गाड़ी फ्रंट से। और वहीं अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे में भी हमें LED DRL लाइट्स मिल जाती हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो मैक्सिमम लोगों को पसंद आया। वहीं अगर हम बात करें क्रेटा की, तो क्रेटा 2020 का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, पहले से बिल्कुल अलग दिखती है ये गाड़ी। और इसका जो डिज़ाइन है वो इसकी सिबलिंग वेन्यू से मिलता जुलता है। हेडलाइट्स को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है उसको चेंज कर दिया गया है। और जो पीछे की लाइट्स हैं और आगे की जो लाइट्स हैं LED लाइट्स, उनका डिज़ाइन थीम है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो ओवरऑल क्रेटा 2020 का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें कि किस गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है, तो ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। हालांकि जब हमने वोटिंग कराई तो यहाँ 90% से ज़्यादा लोगों का अभी भी यही मानना है कि जो सेल्टोस है उसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। कि आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है जो लोग इन दोनों ही गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी के डिज़ाइन को लेकर कन्फ्यूज हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ अगर हम बात करें लेंथ की, तो क्रेटा 2020 की जो लेंथ है वो 4300 mm है, जो कि 15 mm कम है सेल्टोस से। सेल्टोस की लेंथ जो है 4315 mm है। वहीं अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ में भी क्रेटा जो है थोड़ा पीछे है, 10 mm कम है सेल्टोस से। हाइट की बात करें तो हाइट में भी जो क्रेटा 2020 है उसकी हाइट जो है 10 mm कम है सेल्टोस से। वहीं अगर हम बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों में सेम है। बूट स्पेस की बात करें तो क्रेटा का जो बूट स्पेस है वो 11 लीटर ज़्यादा है सेल्टोस से। क्रेटा में मिल जाता है 444 लीटर का बूट स्पेस और सेल्टोस में मिलता है 433 लीटर का। और वही अगर हम बात करें टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ भी दोनों ही गाड़ियों में सेम है, 205/65 R16 का टायर हमें स्मॉलर वेरियंट्स में मिलता है। और अपर वेरियंट की बात करें तो 215/60 R17 का जो टायर है हमें अपर वेरियंट्स में देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि किया और हुंडई दोनों ही सिबलिंग कंपनीज है, और ऐसे में यही माना जा रहा है कि जो क्रेटा 2020 है उसमें हमें सिमिलर इंजन देखने को मिलेंगे, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि हमें ऑलरेडी किया सेल्टोस में देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें किया सेल्टोस के 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन की, तो उसके बारे में अभी कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि वो हमें क्रेटा 2020 में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो ओवरऑल इंजन ऑप्शन जो है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम रहने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम फीचर्स के बारे में। तो चाइना स्पेक क्रेटा की अगर हम बात करें, तो चाइना स्पेक क्रेटा में हमें सारे वही फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें ऑलरेडी सेल्टोस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल ड्राइविंग मोड, एम्बेडेड ईसिम विद इंटरनेट कनेक्टिंग एंड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ अगर हम बात करें फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग सिमिलर फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करें कुछ अलग की, तो क्रेटा 2020 में हमें वर्टिकल 10.4 इंच की स्क्रीन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक इस प्राइस रेंज में हमें MG एक्टर में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, ऑल डिस्क ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हमें क्रेटा 2020 में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को क्रेटा 2020 का वेट करना चाहिए और किन लोगों को किया सेल्टोस खरीद लेनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें एक्सटीरियर की, तो जिन लोगों को एक्सटीरियर में क्रेटा 2020 का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगा, इसके अलावा जिन लोगों को डीजल में टॉप एंड वेरियंट खरीदना है, वो लोग क्रेटा 2020 का वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि क्रेटा 2020 में हमें डीजल वेरियंट्स में, टॉप एंड वेरियंट्स में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमें किया सेल्टोस में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है कि किया अभी रिसेंटली लॉन्च हुए इंडिया में, अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा सेटअप होने में, क्योंकि किया के अभी सिर्फ 105 शोरूम है पूरे इंडिया में। और वहीं अगर हम बात करें हुंडई की, तो 1256 शोरूम है पूरे इंडिया में। और ऐसे में अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ के आसपास जो किया का शोरूम नहीं है,
तो आपको आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ी परेशानी हो सकती है अगर आप सेल्टोस खरीदते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को किया सेल्टोस खरीदनी चाहिए। तो जिन लोगों को गाड़ी थोड़ी जल्दी चाहिए और जो लोग टॉप एंड वेरिएंट डीजल में नहीं खरीदना चाहते, उन लोगों के लिए किया सेल्टोस एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि किया सेल्टोस में हमें सारे वो फीचर्स पहले से ही मिल जाते हैं जो कि क्रेटा 2020 में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन। तो किया सेल्टोस, क्रेटा और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।